दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर में आज 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्यों गिरावट आई है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में शेयर पे क्या होने वाला है, इस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, 8% की गिरावट लगभग आज के दिन में इसमें शेयर में देखने को मिली। 136 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर आज यहाँ पर आ चुका है। ओवरऑल एक साल में भी अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शेयर ने नहीं किया है। 26% की गिरावट ऑलरेडी एक शेयर में इस वक्त आई हुई है। अब आज पर्टिकुलरली ऐसा क्या हुआ कि इस शेयर में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है, तो देखिए उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रहा है कि एक गवर्नमेंट सर्कुलर 2 जून को इशू किया गया था, जिसको अभी एनालिस्ट ने आज डिकोड किया है, और जिसमें यह माना जा रहा है कि अब जो एक्सचेंज है, जो अभी तक क्या कैसे काम चल रहा था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे, कि एक बायर आता था, सेलर आता था, वो अपनी बिड्स लगाते थे, प्राइस डिस्कवरी होती थी, और उसके हिसाब से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अपना एक कमीशन लेता था, और वहाँ पर सारी डील्स होती थी जितनी भी एनर्जी की प्राइजेस की होती थी। अब एक नया सर्कुलर गवर्नमेंट ने यहाँ पर इशू किया है। अगर हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं तो एक नया सर्कुलर यहाँ पर आया है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को इशू किया है, और इनको ये बोला गया है कि एक ऐसी नई मार्केट कपलिंग करने के लिए बोला गया। मार्केट कपलिंग का मतलब क्या हो गया कि अभी अगर आप देखेंगे, अभी जो प्राइस डिस्कवरी है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर हो रही है। अब इस जो सर्कुलर है इसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एक और सुपर एक्सचेंज बना दे। अभी आपको पता होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अलावा भी काफ़ी सारी एनर्जी की एक्सचेंजेस हैं, हालांकि वहाँ पर वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 80-90% जो वॉल्यूम्स है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर ही होती है। तो यहाँ पर जो प्रपोजल दिया गया है वो एक सुपर एक्सचेंज बनाने का दिया गया है। तो इन जितनी भी छोटी एक्सचेंजेस हैं इसके ऊपर एक एक्सचेंज बन जाएगी। ये एक्सचेंज के पास सारे ऑर्डर आएंगे और वो उस ऑर्डर्स के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी करेंगे, और वो जो बिडिंग है, सिर्फ वो जो बिडिंग का पार्ट है वो यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इनके पास रह जाएगा। तो जो मेजर इनका प्राइस डिस्कवरी का काम हुआ करता था कि बिडर और सेलर आ रहे हैं, वो आपस में काम करके प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की पार्ट की, वो काम यहाँ पर एक सुपर एक्सचेंज को दिया जा सकता है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि इसकी वजह से एक तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, और दूसरी चीज़ इसकी वजह से जो पावर है इनके हाथों में वो चली जाएगी। तो बहुत एक मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन एनर्जी के शेयर पे इसका आ सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ अभी एक ड्राफ्ट प्रपोजल गया है, कोई फाइनल चीज़ें नहीं हुई हैं, और अभी इसमें टाइम लग सकता है। आजकल में ये नहीं होने वाला है कुछ। अभी उन्होंने प्रपोजल मांगा है, वो प्रपोजल आएगा, फिर उसमें काम होगा। तो अभी इसमें लंबा टाइम लग सकता है, 6 महीने, साल भर, कितना टाइम लगेगा ये भी कहना मुश्किल है। एक्चुअल में क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो अभी ये सिर्फ एक एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं जो आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम करती है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे आएगा। और देखिए होता क्या है कि ऐसे शेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे रेगुलेशंस का आता है। अगर हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को के शेयर को एक बार यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे 136 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर चल रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है इसमें। 295 रुपीज़ से अब 136 रुपीज़ का इसका शेयर रह चुका है। तो लगभग 60-70% की गिरावट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से इसके शेयर में आ चुकी है। अब दोस्तों, अगर आप इस शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, यहाँ से लेकर 2017 से लेकर 2020-21 तक इसके शेयर ने ना के बराबर ही रिटर्न्स दी थी। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही रहा है कि जो ये एक्सचेंज है, पावर सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, यहाँ पर रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कब गवर्नमेंट का क्या नया रेगुलेशन आ जाए वो कुछ भी हमें पता नहीं होता है, और इस वजह से इसके शेयर में इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे, अगर इस शेयर को लेटेस्ट अगर आप देखेंगे, पिछले 6-7 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे, जो इनकी सेल्स है वो लगभग पीक आउट होती हुई नज़र आ रही है। 100 करोड़ के आसपास की ही इनकी सेल पिछले 6-7 क्वार्टर से चल रही है, और इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 85-86, इससे ज़्यादा के ऑपरेटिंग मार्जिन ये जनरेट नहीं कर सकते हैं।
तो एक जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी यहां पर इनकी पीकआउट होती नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑलरेडी इन शेयर्स में देखने को नहीं मिल रही थी, और उसके ऊपर से ये न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो एक महीने दो महीने में प्लान आउट होगी, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इस शेयर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात होगी। तो जैसे हमने इसके शेयर पर पहले भी बात की थी, अगर 160 रुपीज़ के ऊपर आकर ये ट्रेड करता है, आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 160 रुपीज़ का ये जो टारगेट था इसके ऊपर इसने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बिताई थी। अगर 160 रुपीज़ के ऊपर आकर ये शेयर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव इसके लिए कुछ हो सकता है, तो ही थोड़ी बुलिशनेस इसमें आएगी। उसके नीचे ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह ही रहेगा, कितना गिरेगा कोई कहना बहुत मुश्किल है। 160 रुपये के ऊपर आकर अगर ये टिक पाता है तो ही एक अच्छी रिटर्न आएगी, और मुझे लगता है अब इस न्यूज़ के बाद इस शेयर में एक लंबा इंतज़ार इन्वेस्टर्स को करना पड़ सकता है। और मुझे यही लगता है कि नए इन्वेस्टर, अभी 60-70% गिरावट है तो भी आप ऐसे शेयर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि रेगुलेशंस की वजह से क्या क्या दिक्कतें इन शेयर्स में आएंगी आपको नहीं पता है, तो कंप्लीटली अवॉइड नए इन्वेस्टर्स करेंगे तो यहाँ पर बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद।